ये देखिए दूसरी शॉप यहाँ पे इस टाइप की शॉप है, ये भी पर्स वर्स की बिना लगा रखी है यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है अमन जोशी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडी जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं आ रखा हूँ प्रीतमपुरा के दिल्ली हाट में, और यहाँ पे अभी मैं अंदर एंट्री ली है मैंने, ये एंट्रेंस गेट है सामने, यहाँ से मैंने एंट्री ली है, और सामने मेट्रो है और मेट्रो स्टेशन उसके जस्ट बगल में ही है। दोस्तों हमने एंट्री ले ली है एंट्रेंस गेट से, और देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, ये छोटी छोटी दुकानें बना रखी है, यहाँ पे आप दुकान भी लगा सकते हो अपनी, ये देखो। और यहाँ पे दुकान नंबर डले हुए हैं यहाँ पे 7, 8, 6, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो शॉप नंबर जैसे डाल रखे 7, 6, जैसे लगा होता है ट्रेड फेयर में वैसे लगा रखे, दिल्ली हाट है, दिल्ली गवर्नमेंट का है टूरिज्म के लिए, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। और दिल्ली आने वाला तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ भी जाएंगे कभी। देखो सामने जैसे मैं कह रहा था ना कि इस टाइप की दुकानें लगा रखी हैं, छोटी छोटी दुकानें, इस टाइप की दुकानें लगा रखी हैं, ओपन शॉप है, 20 रुपीज़ टिकट है यहाँ का, आप आ सकते हो। प्रीतमपुरा मेट्रो स्टेशन है, नहीं नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो प्रीतमपुरा पड़ेगा और NSP पड़ेगा, तो आप दोनों से आ सकते हो, और मधुबन चौक से बस की तरफ से आना चाहते हो तो उधर से भी आ सकते हो। यहाँ देखो छोटी मोटी आइटम्स की जो है ना शॉप्स हैं यहाँ पे, और ये पर्स हैं इस टाइप के, झंबर लगा रखे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटे। नमस्ते अंकल जी, क्या क्या आइटम है आपके पास? हमारे पास बेटे कुर्ते हैं, पाजामे, जैकेट हैं, शर्ट्स हैं, शहद, अचार, मुरब्बे, धूप, अगरबत्ती, ये सभी विदाउट केमिकल के और हाथ से बनी हुई चीजें। अच्छा, जो कुर्ते पजामे ये खादी के हैं? खादी के हैं बेटे। अच्छा, तो क्या प्राइस रहेगा अंकल जी इनका? इनका प्राइस पड़ जाएगा बेटे 650 रुपए का होगा कुर्ता। कुर्ता चलो बढ़िया, एक बार दिखा देने एक बार। शहद, अचार, मुरब्बे, शैम्पू। अच्छा, ये सारी आइटम्स हैं आपके पास, सारी खादी आइटम है। इस टाइप के कुर्ते हैं ये 650 रुपए के अंकल जी। हाँ बेटे, खादी में ना? हाँ, प्योर खादी, प्योर खादी। यहाँ पे जूस होंगे, हर्बल टी होंगी। अच्छा, आमला फीका पाई, आमला कैंडी, आमला मुरब्बा, ये जो हमने अंकल जी बता रहे हैं सारी चीजें आमला की चीजें, ये हमने ट्रेड फेयर में भी देखी होगी जब हम उत्तर प्रदेश के उसमें गए थे, आमला की कैंडी खाई थी हमने, ये सारी चीजें हमने वहीं देखी थी। जैसे आमले का ये लिप बाम है, ये भी हमने ट्रेड फेयर के अंदर देखा था, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये देखिए दूसरी शॉप यहाँ पे इस टाइप की शॉप है, ये भी पर्स वर्स की बिना लगा रखी है यहाँ पे, कॉस्मेटिक की है पूरी शॉप, कॉस्मेटिक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उस पर इसकी शॉप है यहाँ पे, और जो वेस्ट मटेरियल, देखो अब चलते हैं अंदर पूछते हैं एक बार। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, ये आपके पास क्या क्या चीज़ें? हमारे पास इमिटेशन ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस और वेस्ट मटेरियल से बनी चीज़ें, और हैंडीक्राफ्ट जैसे ये जूट के बैग्स हो गए, हैंड पेंटिंग हो रखी है, ये डायरी हो गई जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसके हम कटिंग करके वो बताते हैं, जैसे कि मिरर बनते हैं, कि आपको वेडिंग ज्वेलरी देखनी है, वेडिंग क्या मतलब किसी भी पर्पज से आप ये ज्वेलरी देख सकते हैं, कि ये सेमी प्रीशियस स्टोन में बनी हुई है, स्टोन कलर नहीं किए जाते, नेचुरल वाटर स्टोन है, जैसे पानी में से निकलते हैं उसी कलर के ऊपर, और ये ब्रास बेस के ऊपर है, अगेन पॉलिश करवा सकते हैं, इनकी पॉलिश नहीं खराब होती, तो ये आपको मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं लाख की बैंगल्स आपको मिल जाएंगी, जो बिल्कुल आपको पता है हैंड से बनती है। हाँ ये तो है, और ये है, ये स्टोन को दूसरी स्टोन बोला जाता है, ये तो मदर ऑफ पर्ल, काफी समय लगता है इसको तो बनाने में। हाँ, इसको मतलब कि इनकी खेती होती है, खेती के बाद फिर ये जिस भी शेप के होते हैं इनके अंदर होल करके फिर उसके ऊपर ये पूरा हैंडवर्क से ये सब करके और इसको एक माला का रूप दिया जाता है, तो ये मदर ऑफ पर्ल है, ये उसका बनाया जाता है। इसमें कितना समय लग जाता है एक चीज बनाने में? हफ्ता से 10 दिन लगता है एक चीज को बनाने में। अच्छा,
बनाने बनाने में, और इनकी खेती होती है तो इनको उगाने के अंदर 3 महीने तक लगते हैं। इसी खेती मतलब किस टाइप से खेती होती है इसकी? जैसे आजकल पानी की वजह से होता है कि पहले तो हम सीप को मारते थे तो सीप निकलता था, हाँ। अब क्या होता है कि जो उसके टूटे हुए खराब सीप होते हैं उनको स्टरलाइज करके केमिकल में भिगो के फिर उनको जैसे वाटर के अंदर उनकी खेती की जाती है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके आप स्टडी गूगल पे भी है उस पे वो कर रहे हैं, तो उसकी खेती करके फिर वो बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना वो होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे अपने ट्रेड फेयर के अंदर नहीं लगा रखा था, प्रगति मैदान के अंदर बना रखा था कि स्टेडियम टाइप सा, ऐसे यहाँ पे बनाया है, बना रखा है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक वो कल्चर्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो होते शाम को होते हैं। अभी तो मैं दोपहर में आ रहा हूँ यहाँ पे, किसी दिन और दिन दिखाएंगे, सैटरडे एंड संडे को होते हैं, मैंने पूछा था इनसे। और सीटिंग देखो कितनी अच्छी कर रखी है जीने टाइप से, एकदम कर मज़ेदार बना रहा है एकदम। तो दोस्तों यार मैंने यहाँ इस वाले में दिल्ली हाट वाले में घूम लिया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल थी 108 दुकानें, 15-20 दुकानें लगी होगी, बस उतना ही है, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। लोग आ रखे हैं यहाँ पे, यूट्यूबर्स आ रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, अपने इन्जॉय ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। मैंने कहा मैं भी वीडियो बना लेता हूँ और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। तो चलो फिर यहाँ से अब बाहर चलते हैं, कहीं और चलेंगे, वहाँ घूमेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे घर। और ये बाहर भी आप रील बना सकते हो, ये बिल्कुल ऊपर मेट्रो आ रही है। दोस्तों हम वहाँ से दिल्ली हाट से तो आ चुके हैं और अभी हम मेट्रो से नीचे उतर के घर की तरफ जा रहे हैं, और इसके जस्ट बगल में हमारा एक्सरसाइज करने का पार्क है, वहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। आजकल फिलहाल मैं घर पे ही कर रहा हूँ एक्सरसाइज, जाते हैं फिर घर, रिक्शा पकड़ेंगे निकल जाएंगे घर की तरफ। दोपहर के टाइम पे ऐसे लग रही है रोड, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम चमकदार रोड लग रही है। अभी देखना दिल्ली में कितनी प्रकार की बसें हैं। एक देखो सामने आ रही है ये नीले रंग की बस, उसके पीछे संतरी रंग की बस आ रही है, ये है दिल्ली की रोड है ना। पर उत्तराखंड में तो रोड अलग ही ना बिल्कुल। अभी मुझे फ़ोन लेने भी जाना है शॉप पे, तो भी चलेंगे फ़ोन देखने भी जाएंगे अंदर को, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन पसंद आता है। वैसे तो S22 अल्ट्रा पसंद आ रखा है, देखते हैं क्या प्राइसिंग है उसकी। चलो भी चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों मैं फ़ोन की शॉप में आ चुका हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोन रखे हुए हैं। यहाँ पे फ़िलिप्स फ़ोन भी रखे हुए हैं, फोल्डिंग फ़ोन हो गए, बहुत अच्छे अच्छे। पर अपने को दो कंपनी के फ़ोन बहुत अच्छे लगे हैं, सैमसंग का और ओप्पो का। वन प्लस का भी ठीक है, पर सैमसंग में अपने को सैमसंग S22 अल्ट्रा बहुत अच्छा लगा है, और एक ओप्पो में है वो भी अच्छा लगा है। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।